प्रकाश राजभर के पैर तले जमीन खिसक रही है, अब इनकी ताकत नहीं है कि पूर्वांचल में एक जनसभा कर ले बड़ी। अब यहाँ जब भी मीटिंग होगी तो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर की अभी जनसभा होगी। अब हम प्रकाश राजभर का काम खलवांचल से इनका खदेड़ा शुरू हो गया। एक और चीज है कि जोराबाद में 55 हेलीकॉप्टर महेंद्र राजभर उतारेंगे, ये भी एक सामने बात आ रहा है। एकदम 100% पांचे नहीं, एक और बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए उसको। हाँ, ताक दुरुस्त वाली बात। इस वक्त जनपद मऊ में है और हमारे साथ है रामजीत राजभर। लोकसभा की बात किया जाए या उपचुनाव की बात किया जाए, इतने जोर आजमाइश किए थे कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ फीके पड़ गए। आज हमारे साथ ही इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके पूरे दर्शकों को। स्वदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज आप लोग का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत दावा भी था और कारगर भी साबित हुआ, चुनाव भी आप लोग जीते, तो जनता के लिए जो अभी अधूरे विकास है उसको पूरा किया जाएगा, क्या विचार चल रहा है? देखिए, जो जनता का समस्या है, पूर्ण रूप से जनता की बड़ी समस्या होती है किसान के लिए खाद बीज और व्यापारी के लिए महंगाई सस्ताई। ये जो आज के डेट में जो सरकार है, मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी तो 60 से 70 रुपया अरहर की दाल मिलता था, पर 24 से 25 रुपया किलो तक जो मटर का दाल मिलता था, चना का भी 30-35 रुपया मिल जाता था। जब भाजपा सरकार आई तो सीधे सीधे जो है 100 के पार चला गया अरहर का दाल। आलू का जो विषय है, आलू बहुत महंगा था कांग्रेस के सरकार में, तो 4 रुपया 5 रुपया किलो, भाजपा सरकार में 40 से 50 रुपया किलो तक आलू बिक गया। जो चना की बात है वह बहुत महंगा था तो 30 से 35 रुपया किलो, भाजपा सरकार में 100 से ऊपर चना चला गया। आज डाई का रेट देख लीजिए, यूरिया का रेट देख लीजिए, जो किसान अन्नदाता माना जाता है, जब किसान को डाई पूर्ण रूप से समय से नहीं मिलेगा, पूरे देश नहीं पूरे पृथ्वी पर रहने वाले चिड़िया चरुंग से लेकर के जानवर तक को भोजन किसान देता है। आज कुछ किसान के साथ इतना बड़ी ये सरकार दुर्व्यवहार कर रही है कि डाई को कर दिया 1600-1700 रुपया बोरी, उसका भी वजन भी घटा दिया सरकार। अच्छा, आप अहिलो के समाज के ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो मंत्री हैं, आज वो एक भी बयान नहीं दे रहे हैं, वो तो भाजपा का साथ दे रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर दल बदल हुआ आदमी है, ये जो है बड़ बोल नेता है। जब सपा में थे तो योगी बाबा को ललका सांड, उजरका सांड, करीवा सांड, भीख मांगने की ट्रेन देंगे, पानी में डुबो डुबो के मारेंगे, ये उनका बयान था। आज जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, मंत्री बन गए, अब वहां से जो है, अब जो है माननीय अखिलेश यादव जी को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ये नहीं किया, अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडई थी। अरे गुंडई अब तो देखो, मैं इस जनपद की मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, वो प्रकाश राजभर की औकात नहीं जो बयान दे दे मीडिया पा करके। हमारे जिला में 400 राजभरों पर एफआईआर दर्ज हुआ है, 400 राजभरों पर। मरहूम प्रकाश राजभर की औकात नहीं कहीं जाकर के एक राजभर का मदद कर दें। कौन से जगह की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ ताजेपुर देख लीजिए, एक घटना हुई थी, उसमें जो है राजभर समाज के लोग रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन कर दिए, 52 पर एफआईआर दर्ज हो गया। अभी घोसी मधुबन में देख लीजिए, एक सभासद को मारा गया, वहां जो है राजभर ने जो है आकर के रोड पर भीड़ भक्का लगा दिया, 42-47 पर एफआईआर हो गया। अभी आपका घोसी का मुद्दा उठा के देख लीजिए, अभी आपके हमारे मुंशीपुरा में जो है देवपरवा गांव पड़ता है, वहां जो है 17 लोगों पर एफआईआर हो गया। इस तरह से राजभर सरकार के ऊपर जो ओम प्रकाश राजभर का बयान था कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता पीला गमछा लगा करके थाने पर जाएंगे तो उनको ओम प्रकाश राजभर नजर में आएगा, इसको पा करके राजभर समाज के युवा नौजवान जो है अब थोड़ा सा उत्साही होकर के और गलत कदम उठा दे रहा है और उस पर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है। ये सारा जिम्मेदार जो है ओम प्रकाश राजभर, समाज को शिक्षा के दिशा में ले जाना चाहिए, मगर शिक्षा के दिशा में न ले जाकर के जो 18 साल 15 साल 16 साल का युवा नौजवान लड़का है उसको कहीं ना कहीं पदाधिकारी बना करके उत्साहित करते रहे, वह तैश में आकर के कोई ना कोई ठोस कदम उठा ले रहा है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, मुकदमा लग जा रहा है, तो ये सारा जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, सुनीता राजभर हाल ही में इस्तीफा दे दी है, तो क्या लग रहा है कि इन्हीं सभी कारण है इस्तीफा देने का? देखिए, सुनीता राजभर बहुत अच्छा नेता है और कर्मठ है, मेहनत करने वाली नेता थी, जो कि संघर्ष उन्होंने किया जितना समय तक स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में रहे, ईमानदारी से उन्होंने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में काम किया। जब उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश राजभर जब सपा के गठबंधन में थे तो बार बार चिल्लाते थे कि 300 यूनिट बिजली माफ करना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से दारू बंद करवाना है, जाति जनगणना करवाना है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवाना है, तमाम इनका मुद्दा था योगी बाबा के खिलाफ। आज जब सरकार में चले गए, आप जो है उत्तर प्रदेश के पंचायत राज मंत्री हो गए, सारा विभाग आपके पास है, मगर उस पर एक बार चर्चा आप नहीं कर रहे हो कि राजभर को अधिकार कैसे मिलेगा, चाहे राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवल मिमला धनकर भी आदमपुर निपाजी बनवासी कटिक नाउ धोबी अरमसी लाउ कंगार भुजवारा माजी मजवारा किसको इसको अधिकारी नहीं क्यों नहीं बोले भाई, अब तो तुम्हारी जबान में जो है ताला लग गया है। इसीलिए इनको मिल गया चाबी, इसीलिए इनको चाबी मिला कि इनके जबान पर इनकी जबान को चाबी से बंद कर दिया जाएगा, चाबी को ले लिया जाए। अब फिर चाबी को देखिए, अब जब ये देखे हम लोग की जब थोड़ा सा चापे हैं बजवंत जो है चाबी से छड़ी कर लिए,
फिर पलटी मार गए। तो ये तो अपने पलटी मारते हैं, सतवां सतवां अपने सिंबलवा को भी पलटी मरवा देते हैं। अच्छा। ये जान लीजिए ऐसे ओम प्रकाश राजभर है। अच्छा तैयारी चल रहा है, पूर्वांचल से ज्यादा सीट बिहार में हमको मिलेगा, बिहार में आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए ओम प्रकाश राजभर चाहे वो नीतीश जी हो, वो दोनों लोग भाजपा में गठबंधन में है। ओम प्रकाश राजभर जी है और नीतीश जी है वहां। ये ओम प्रकाश राजभर जब देखें कि पूर्वांचल में हमारा जो है यानी पायजामा ढीला हो गया है। अच्छा। तो भग के गए बिहार। हाँ। अब बिहार के पूर्वांचल के राजभरों को ये लूट चुके हैं जितना चाहिए उतना। वहां तो जलवा बिखेरा है, सैलाब दिख रहा है। अच्छा ये बताइए 2022 में जो है इसी हलदलपुर के धरती पर इन्होंने जलवा बिखेरा, हम लोग साथ में थे, और वहां जलवा बिखेर करके अपनी ताकत को दिखा करके कितने लोगों को लूटे। 17 टिकट मिला था 2022 में समाजवादी गठबंधन में, और 17 में बाप बेटा लड़े, 15 सीट इन्होंने पैसा बेच करके और लूट करके बिहार चले गए। बिहार में भी जो जनसैलाब हो रहा है तो अब तो बिहार में वहां गठबंधन में लेंगे 15-20 सीट, वहां 15 चाहे 10 सीट जो भी पाएगा पाएंगे वहां जाकर के वहां भी टिकट बेच करके धनुवाई मजबूती से कर लेंगे। और जब वहां से जब देखेंगे कि बात नहीं बन रही तो कोई और प्रांत पकड़ लेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का धन से मतलब है, किसी राजभर किसी गरीब से मतलब नहीं है। ये बाप बेटा तीनों ये जान जी के सिर्फ पैसे के लालची है और उसके अलावा कुछ नहीं है। कह रहे कि 27 तक आते आते सपा का सफाया हो जाएगा। देखिए इनको भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे मकड़े की जाल होती है, देखेंगे नहीं देखें, मकड़े के जाल में इनको अघोरा जा रहा है। अच्छा। अभी बताइए कुत्ता पोंछ तभी लाएगा जब उसको कुछ दिखाएंगे, वो खाने का लालच पाएगा तभी पोंछ हिलाता है। अब ये धूम हिला रहे हैं पूर्वांचल से जाकर के बिहार, ताकि पूर्वांचल में तो हमको मंत्रालय मिल ही गया, अब बिहार में भी मिल जाएगा। तो ये एक कुत्ता का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये धूम हिलाने वाले हैं, वो धूम हिला रहे हैं कि कुछ यहाँ भी मिल जाए। नहीं तो ये बताइए वो जनसभा आप यहाँ क्यों नहीं करे पूर्वांचल में? पूर्वांचल में तो हम लोग दो सीट पर देखे हैं, वो घोसी उपचुनाव में घोसी लोकसभा में दोनों पर इनके मुंह पर काला पोत करके भेज दिया गया। तो ओम प्रकाश राजभर के पैर तले जमीन खिसक रही है, अब इनकी ताकत नहीं है कि पूर्वांचल में एक जनसभा कर ले बड़ी। अब यहाँ जब ही मीटिंग होगी तो स्वदेव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मानी महेंद्र राजभर की अभी जनसभा होगी। अब ओम प्रकाश राजभर का काम खत्म, पूर्वांचल से इनका खदेड़ा शुरू हो गया। एक और चीज है कि जोराबाद में 55 हेलीकॉप्टर महेंद्र राजभर उतारेंगे, ये भी एक सामने बात आ रहा है। एकदम 100% पांचे नहीं एक और बढ़ा दीजिए, 6 कर दीजिए उसको। हाँ ताक दुरुस्त वाली बात आ जाएगी। हाँ तो 6 करिए, 5 नहीं, 5 में तो गड़बड़ा जाएगा, 6 होगा। 6 जिसमें एक हेलीकॉप्टर में जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय महेंद्र राजभर जी एक हेलीकॉप्टर में अकेले रहेंगे, बाकी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो लोग रहेंगे।